नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अब बिहार में लोकसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव होना तय हो गया है। जानिए कौन बनेगा सांसद। जी हाँ, सही समझा आपने, हम बात कर रहे हैं वाल्मीकि नगर की। पिछले दिनों ही वाल्मीकि नगर के सांसद वैद्यनाथ महतो का निधन हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में वैद्यनाथ महतो ने जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर जीत दर्ज की थी। वैद्यनाथ महतो ने इस सीट पर कांग्रेस के शाश्वत केदार पांडे को भारी मतों के अंतर से परास्त किया था। वैद्यनाथ महतो बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो वैद्यनाथ महतो 2014 के लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर लड़कर तीसरे नंबर पर चले गए थे और किसी तरह से अपनी जमानत बचा पाए थे, उनके लिए नीतीश कुमार ने इस सीट को भारतीय जनता पार्टी से अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के लिए ले लिया था। जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश चंद्र दुबे ने इस सीट से अपनी जीत का परचम लहराया था। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो इस संसदीय सीट के तहत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया एवं सिकटा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र 2009 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अस्तित्व में आया। इसके पहले यह बगहा लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यह लोकसभा क्षेत्र नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के काफी नजदीक है। अब बात करें जब चुनावी आंकड़ों की, तो पिछले चुनाव में इस सीट पर जदयू उम्मीदवार रहे स्वर्गीय वैद्यनाथ महतो को कुल वोटों का 58% से ज्यादा मिला था। वैद्यनाथ महतो को जहां कुल 6,02,660 वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार शाश्वत केदार पांडे को महज 2,48,404 वोट ही मिल सके थे। शाश्वत केदार बिहार के पूर्व सीएम केदार पांडे के पौत्र हैं। अब बात करें अन्य उम्मीदवारों की, तो इस सीट पर मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का भी अच्छा खासा जनाधार देखने को मिलता है। एनडीए की आंधी में भी इस सीट पर बसपा के उम्मीदवार दीपक यादव को 62,963 वोट मिले थे, जबकि एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश शाह को करीब 15,000 वोट मिल पाए थे। वहीं वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के 34,338 लोगों ने नोटा के पक्ष में मतदान किया था। अब जबकि वैद्यनाथ महतो इस दुनिया में नहीं रहे, तो इस सीट पर उपचुनाव की सुगबुगाहट अब जल्द ही शुरू होने वाली है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सीट पर जदयू किसे अपना प्रत्याशी बनाएगा। भाजपा का तो फिलहाल इस सीट पर चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन आकलन यह है कि जदयू इस सीट पर किसी अल्पसंख्यक उम्मीदवार को उतार सकती है, जिसमें सबसे पहला नाम सिकटा से जेडीयू के विधायक और बिहार की नीतीश कुमार की सरकार में गन्ना विकास मंत्री खुर्शीद और फिरोज अहमद का हो सकता है। क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार से अल्पसंख्यक वोटर जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार से नाराज दिखाई दे रहा है, उसे साधने के लिए नीतीश कुमार अल्पसंख्यक उम्मीदवार का दांव चल सकते हैं। वहीं बात करें महागठबंधन की, तो यह सीट किसके कोटे में जाएगी यह फिलहाल तय नहीं है, क्योंकि राजद, रालोसपा, हम और वीआईपी के समर्थन के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी की हार काफी बुरी हुई थी। धन्यवाद।